गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। तो जैसे विंटर स्टार्ट हो गया है और सबकी स्किन रूखी सूखी हो रही है और बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं एक मॉइस्चराइज़र एक क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। डे क्रीम नाइट क्रीम दोनों के बारे में आपको बताऊँगी और जिस ब्रांड की है वो है अराता। तो इनके अभी कुछ दिन से मैं विटामिन सी रेंज है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आज का जो वीडियो उसमें भी मैं अराता का विटामिन सी डे क्रीम और नाइट जेल आता है, विटामिन सी नाइट जेल आता है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये दोनों कॉम्बो पैक मिलते हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। अगर आपको डे क्रीम की रिक्वायरमेंट है या नाइट क्रीम की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। पर अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रेट्स में ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अराता का जो विटामिन सी डे क्रीम है उसके बारे में। तो इनके सारे प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, ज़्यादातर चीज़ों में प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ किए गए हैं, नेचुरल ऑयल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, फालतू केमिकल्स नहीं डाले गए हैं। अब देखो प्रिजर्वेटिव हैं इसमें, पर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं जो कि स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। और प्रिजर्वेटिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी प्रोडक्ट के लिए, नहीं तो प्रोडक्ट दो दो तीन तीन साल तक कैसे चलेगा। जैसे कि हम घर पर कोई क्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसको एक दो दिन फ्रिज में रख के यूज़ करते हैं, वैसे ही इन प्रोडक्ट को करना पड़ जाएगा। इसलिए प्रिजर्वेटिव्स हैं पर नेचुरल प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके साथ ही जो ये डे क्रीम है इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है और साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड है। तो जैसे विंटर में बहुत ज़्यादा इंटेंस हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये क्रीम बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। साथ ही साथ ये क्या करती है कि इसमें SPF 15 भी है, तो SPF 15 होने के कारण ये आपको सन से प्रोटेक्शन भी देगा। SPF 15 है तो अगर आप हल्की फुल्की धूप में जाते हो तो आपका काम चल जाएगा, पर आपको दिन दिन भर अगर बाहर धूप में रहना पड़ता है तब आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन भी अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर घर पे हैं या फिर आप ऐसे ही थोड़ा बहुत धूप निकल रहे हो तो इस SPF से काम चल सकता है, आपका आपको सन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पैकेजिंग की बात करूँ तो ट्यूब पैकेज में आता है, फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी ही जैसे विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स की ज़्यादातर सिट्रिक वाली फ्रेग्रेंस होती है, वैसे ही इसकी है। कंसिस्टेंसी क्रीमी है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन पे और लाइट वेटेड है, आपको बहुत ज़्यादा लगाने के बाद भारी भारी नहीं लगेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है तो आपको थोड़ा भारी भारी भी लग सकता है और हो सकता है आपको स्किन ज़्यादा ऑयली लगने लगे, तो ऑयली स्किन वालों के साथ ये हो सकता है। तो अगर आपकी विंटर में भी स्किन ड्राई नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। पर अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तब ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे काम करेगा। इसके प्राइस की बात करूँ तो 449 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनका जो अराता का साइट है वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो आपको 400 अराउंड में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं दे दूंगी, आप देख सकते हो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्लांट बेस्ड हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ एंटी एजिंग और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगा। क्रीम है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है क्योंकि इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, तो आप जब इसको लगाएंगे तो आपको बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। साथ ही साथ विटामिन ए है, बी है, सी है, तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगी आपकी स्किन को ये क्रीम, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। रीज़न ये है कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, साथ ही साथ एलोवेरा भी यूज़ किया गया है और भी कई ऑयल्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करते हैं, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, सन से प्रोटेक्शन देता है। सन से प्रोटेक्शन के लिए इसमें जिंक ऑक्साइड यूज़ किया गया है जो कि सेफ होता है स्किन के लिए और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ये क्रीम आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम को, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगी क्योंकि इस क्रीम में अच्छे अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज़ किए गए हैं। ऐसे चीज़ें, ऐसे प्लांट बेस्ड चीज़ें यूज़ की गई हैं जिनमें भर भर के एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बस मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर अब जैसे मेरी स्किन है
विंटर में ड्राई हो गई है, तो मैं अभी क्रीम्स वगैरह यूज़ कर सकती हूँ, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं, तब इस क्रीम को यूज़ नहीं करना है। तो अब बात करते हैं अराता विटामिन सी नाइट रिपेयर जेल के बारे में। तो जैसे कि ये नाइट रिपेयर जेल है, मतलब आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगी, जो छोटे मोटे डैमेज हो जाते हैं स्किन में, स्किन सेल्स को रिजेनरेट करने का काम करेगी। अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। हाइलुरोनिक एसिड है, पोमीग्रेनेट ऑयल यूज़ किया गया है, कुकुम्बर यूज़ किया गया है इसमें, रोज़ वाटर यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएंगी, ग्लोइंग बनाएंगी, हील करेंगी जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को हील करने का ये काम करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो काफ़ी कुछ डे क्रीम के जैसे ही हैं, बस इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं जो सन से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि नाइट में ज़रूरत नहीं है। नाइट में जब भी आप कोई क्रीम लगाते हो तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट में कोई भी क्रीम बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे काम करती है। मतलब जो आप दिन में क्रीम लगाते हो ना, वो तो सिर्फ मॉइस्चराइज करेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, पर जो नाइट में जो जेल्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, वो आप लगाते हो तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है, क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है 8-10 घंटे का स्किन को रिपेयर करने का। तो ये बहुत अच्छे से काम करती है और आपकी स्किन पे असर भी दिखाती है। नाइट में भी विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, हाइलुरोनिक एसिड, पोमीग्रेनेट ऑयल और कुकुम्बर, रोज़ वाटर जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि स्किन को रिपेयर करने का काम करती है। स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगी, हील करेगी, स्किन सेल्स को रिजेनरेट करती हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाएंगी, फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही साथ बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करेगी, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है, पोमीग्रेनेट ऑयल है, जो कि बहुत अच्छे से हाइड्रेट करने का काम करता है। कंसिस्टेंसी जेल है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन पर, आपको पता नहीं चलेगा कुछ लगाया है, और रात भर में बहुत अच्छे से आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। रिपेयर करेगा मतलब ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन पे, जैसे कि फाइन लाइन रिंकल्स हुए और स्किन ग्लो नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा डल लग रही है, बेजान लग रही है, ऐसे केसेस में ये नाइट जेल बहुत अच्छे से काम करती है। सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव एक्ने है तो मैं नहीं कहूँगी यूज़ करो, क्योंकि अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो यूज़ करो, पर एक्ने प्रोन स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी यूज़ की तो मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इसको यूज़ करने के बाद मुझे दाने वगैरह होने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जिस टाइम पे मैं यूज़ कर रही थी उस टाइम पे मुझे एक्टिव एक्ने नहीं थे, इसलिए यूज़ कर रही थी। और बाकी ड्राई स्किन है और ऑयली कॉम्बिनेशन जो भी स्किन टाइप है, आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तब आप इस जेल को अवॉइड करें, तब यूज़ ना करें, बाकी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। की बात करूँ तो 399 रुपीज़ है और ऑनलाइन आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जब ये डे क्रीम और नाइट जेल का कॉम्बो लेंगे तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगा, मतलब 700 अराउंड में आपको ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी डील रहेगी मैं कहूँगी। और आप जब डे क्रीम और नाइट में जो जेल दोनों साथ में यूज़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पर काम करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। तो एक बार आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देखो, अगर आपकी स्किन को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, ठंड में ड्राइनेस हो रही है, कोई अच्छी जेल, अच्छे क्रीम्स वगैरह आप देख रहे हो और जिसमें विटामिन सी भी हो, और विटामिन सी के बेनिफिट्स तो सबको पता ही है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, दाग धब्बे वगैरह ये दूर तो नहीं करता है, पर आप जब लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको, आपके पिगमेंटेशन में, स्कार्स में, स्किन टोन को इवन करेगा। पर स्पेशली आप दाग धब्बों को दूर करने के लिए इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है। आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। डे क्रीम नाइट जेल दोनों ही अच्छे हैं, बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हो। सबसे अच्छी बात, इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी केमिकल्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया है, सारे टॉक्सिन फ्री हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों से बने हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ करके देखो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।